शैलेंद्र जी को कौन नहीं जानता। और हम सब ये भी जानते हैं कि शैलेंद्र जी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, तीसरी कसम। फिल्म के गीत हम सबको पता है, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि इस फिल्म को बनाने में, इस फिल्म को पर्दे पर, सेल्यूलॉइड पर लाने के दौरान शैलेंद्र जी को क्या क्या सहना पड़ा, किन मुश्किल हालातों में ये फिल्म बनी। एक बहुत सीनियर राइटर और मैगजीन के एडिटर अरविंद घोष ने शैलेंद्र और उनकी फिल्म तीसरी कसम की मेकिंग को देखा है, तो उन्होंने किताब में जो जिक्र किया इस फिल्म के बारे में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शैलेंद्र वैसे इंट्रोवर्ट आदमी थे, अपनी बातें, अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें किसी और के साथ शेयर नहीं करते थे। यहां तक कि फिल्म तीसरी कसम के निर्माण में आ रही मुश्किलात और संघर्षों के बारे में उन्होंने अपने दोस्त राज कपूर तक को नहीं बताया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी जाहिर नहीं होने देते थे कि इस फिल्म के निर्माण में वो किस यातना से गुजर रहे हैं। अरविंद घोष बताते हैं कि तीसरी कसम की शूटिंग के दौरान शैलेंद्र जी और फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य के बीच रिश्ते खराब होने लगे। फिल्म की शूटिंग और उसके रिजल्ट को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि शैलेंद्र और बासुदा के रिलेशन खत्म होने के कगार पर आके खड़े हो गए। शैलेंद्र जी के साथ साथ कुछ लोगों को लग रहा था कि फिल्म का सब्जेक्ट जो है थोड़ा ऑफ बीट है, कमर्शियल इंपैक्ट कम है, थोड़ा आर्टिस्टिक ज्यादा है। और बासु भट्टाचार्य अपने निर्देशन में, डायरेक्शन में उस कलात्मकता को, उस आर्ट को दिखा नहीं पा रहे थे जिस जॉनरा की यह फिल्म थी। शायद वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी और कहानी का मर्म, मीमांसा समझ नहीं पाए, और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत क्रिएटिव डिफरेंसेस शुरू हो गए। फिल्म पर काले बादल मंडराने लगे। शैलेंद्र जी को लगने लगा कि यह फिल्म बन भी पाएगी कि नहीं, और अंदर ही अंदर घुटने लगे। ऐसी हालत देखकर मुकेश जी ने, महान सिंगर मुकेश जी ने सारा मामला जानने की कोशिश की, शैलेंद्र जी के दिल को कुरेदने की कोशिश की कि किसी तरह सारी बातें पता लग जाएं। और मुकेश जी के प्रयास से शैलेंद्र जी ने सारी परेशानियां उनके सामने उगल दी। ये समस्याएं बहुत जटिल थीं, बहुत गंभीर थीं। मुकेश जी ने बात सुनकर सारी बात, परेशानी शैलेंद्र जी की, राज कपूर जी को बता दी। राज जी ने इन सब हालातों को जानकर शैलेंद्र जी से बात की और बाकी की बची फिल्म को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। आगे की फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने बुलाया बाबूराम इशारा को, बीआर इशारा को, और किसी तरह ये फिल्म कंप्लीट की गई। जब फिल्म बनी तो आरके स्टूडियो में इस फिल्म को पहली बार देखा गया, तब वहां शैलेंद्र जी, राज कपूर जी, मुकेश और अरविंद कुमार खुद मौजूद थे। फिल्म को देखने के बाद सबने यही कहा कि हम सब शैलेंद्र जी के साथ हैं और इस फिल्म के बारे में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वो करने को तैयार हैं, बेटरमेंट के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। जब तीसरी कसम को रिलीज किया गया तब कहीं ना कहीं ये आशा थी कि शायद पब्लिक राज कपूर और वहीदा को देखने के लिए तो आएगी ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गई। अरविंद कुमार आगे बताते हैं कि हमने अपनी आंखों से शैलेंद्र जी को इस फिल्म के बाद टूटते हुए देखा है, उसे शराब में डूबते हुए देखा, बंद कमरे में 5,000 के लिए गंदी गंदी गालियां सुनते देखा है। इस फिल्म के बाद शैलेंद्र ऐसा टूटे कि फिर उठ नहीं सके। 1966 को ये महान कवि, महान कलाकार, गीतकार चिरनिद्रा में लीन हो गया। चर्चा करेंगे सिमी ग्रेवाल की। सिमी ग्रेवाल को फिल्मों में कामयाबी मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, मगर फिर भी जिंदगी में एक कमी रह गई। ये क्या कमी थी जो हमेशा बनी रही, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 Big FM पर सुनते रहिए।
सुहाना सफर विद अनु कपूर।